हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस न्यू वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं मास्टर शेफ इंडिया सीजन 7 की जज गरिमा अरोरा की लाइफस्टाइल, बायोग्राफी, इनकम, एज, कार कलेक्शन, सभी चीज बारे में बात करने वाले इस वीडियो में, जो कि शायद आप ना जानते होंगे। अगर जानना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इनका रियल नेम गरिमा अरोरा है, इनका निकनेम गरिमा है। बात करें इनके जन्म की तो इनका जन्म 9 नवंबर 1988 को मुंबई में हुआ था। 2023 के हिसाब से इनकी एज 34 ईयर। प्रोफेशन से एक सेफ है। इनकी नेशनलिटी इंडियन है और इनका रिलीजन हिंदूज में। बात करें इनकी हाइट की तो इनकी हाइट 5 फीट 3 इंच और इनका वेट 50 किलोग्राम है। इनके आई का कलर ब्लैक है और इनके हेयर का कलर ब्लैक है। सो फ्रेंड्स, अब आपसे बात करेंगे इनकी हॉबी। तो इनकी हॉबी है कुकिंग अ फूड। अब आपसे बात करेंगे इनके एजुकेशन की तो इन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई जय हिंद कॉलेज से कंप्लीट की। तो फ्रेंड्स, अब आपसे बात करेंगे गरिमा के फैमिली की तो इनके फादर का नाम अनिल अरोरा है और इनकी मदर का नाम नीतू अरोरा है। बात करें इनके ब्रदर की तो इनके ब्रदर का नाम नौरोज अरोरा है। और बात कर लेते हैं आपसे इनके हस्बैंड की तो इनके हस्बैंड का नाम राहुल वर्मा है। सो फ्रेंड्स, अब आपसे बात करेंगे गरिमा की करियर की। गरिमा का जन्म मुंबई में हुआ था। इन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की। गरिमा एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हैं, जिस वजह से इनका बचपन से ही खाने में इंटरेस्ट था। गरिमा के पिताजी भी एक अच्छे शेफ थे। इनके फादर ने भी इंटरनेशनल रेस्टोरेंट में काम किया है और कई इंटरनेशनल डिशेस भी बनाई है और फिर अपने देसी अंदाज में इंडिया लौट आए थे। ईयर 2008 में गरिमा फ्रांस चली गई थी। इन्होंने पेरिस के ली कॉर्डन ब्लू यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन लिया और अपने पैशन को करियर में बदलने के लिए अपने कुकिंग को डेवलप की। और ईयर 2010 में इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। इन्होंने अप्रैल 2017 में बैंकॉक में अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलने से पहले इनकी मुलाकात नौमा के पॉपुलर शेफ गगन आनंद, गार्डन रामसे और रिनी रेड जेपी के साथ हुई। कुछ दिनों तक इन्होंने इन तीनों शेफ के साथ मिलकर काम किया और फिर ईयर 2017 में अपना रेस्टोरेंट खोला, जिसका नाम था गा रेस्टोरेंट, जो कि पारंपरिक भारतीय तकनीकों का उपयोग करते हुए एक शानदार मेन्यू परोसता है। नवंबर 2018 में उन्हें और उनके रेस्टोरेंट को मिशेलिन स्टार अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसमें गरिमा मिशेलिन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय शेफ बनी। मार्च 2019 में इनके रेस्टोरेंट गा ने एशिया के 50 बेस्ट रेस्टोरेंट की लिस्ट में अपनी जगह बनाई। ये अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो स्वाद से परे खाना बनाते हैं और अभी तक गरिमा को इस अवार्ड से 4 बार सम्मानित किया जा चुका है। ब्रिटेन की विलियम रीड कंपनी ने फिफ 2019 में गरिमा को वर्ल्ड 50 बेस्ट रेस्टोरेंट के लिए एशिया की बेस्ट फीमेल शेफ के रूप में नॉमिनेट किया गया। ईयर 2019 में ही इनके रेस्टोरेंट गा ने दुनिया के 50 बेस्ट रेस्टोरेंट की लिस्ट में नंबर 1 पर अपनी जगह बनाई। अगस्त 2019 में गरिमा ने फूड फॉरवर्ड इंडिया नाम से एक अभियान चलाया। इनका यह मानना था कि जो इनके रेस्टोरेंट में खाना खाए वो इंडिया को जरूर याद करे। और अभी ईयर 2023 में गरिमा सोनी टेलीविजन पर आने वाला शो मास्टर शेफ इंडिया सीजन 7 में एज ए जज नजर आ रही हैं। इंडिया की बेस्ट शेफ होने के कारण दिन का दिन इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है और आज इनके इंस्टाग्राम हैंडल पर 130,000 फॉलोअर्स कंप्लीट हो गए हैं। बात करें इनके अवार्ड्स की तो इन्हें 4 मिशेलिन स्टार अवार्ड्स मिल चुका है। तो फ्रेंड्स, अब आपसे बात करें इनके हाउस की तो इन पिक्चर्स में आप इनके हाउस की लोकेशन देख सकते हैं। इनका होम टाउन मुंबई महाराष्ट्र में है। चलिए अब आपसे बात करेंगे इनकी इनकम। तो ये पर एपिसोड का 1 से 2 लाख रुपया चार्ज करती हैं। और बात कर लेते हैं आपसे इनकी नेटवर्थ वैल्यू तो इनकी नेटवर्थ वैल्यू है 6 से 7 करोड़ रुपए। सो फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हमारी न्यू वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर ऑल।